हेलो दोस्तों, नॉलेज सर में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आपका लैपटॉप अगर स्लो चल रहा है तो कैसे उसे सही करते हैं। कई रीज़न होता है जो लैपटॉप स्लो चलते हैं, जैसे कि आपके लैपटॉप में कई जंग फाइल होते हैं उसकी वजह से स्लो चलते हैं। तो फाइल को कैसे डिलीट करना है मैं आपको बताऊँगा। और एक रीज़न ये भी होता है कि आपका अगर डेस्कटॉप पे जो होता है वो काफ़ी फाइल होती है तो उसकी वजह से स्लो चलता है। ये देख सकते हैं मेरे डेस्कटॉप पे काफ़ी फाइल है, इसकी वजह से स्लो चलता है। तो आप इस एक दो मतलब यहाँ पर वही फाइल है जो आपके ज़रूरी का है, इम्पोर्टेंट है, बाकी फाइलों को आप डेस्कटॉप पर हटा दीजिए। तो इससे आपके ये होगा कि आपका डेस्कटॉप पर जो कम फाइल होगा तो इसी वजह से आपका लैपटॉप स्लो नहीं चलेगा। और पहला दिन मेथड था, इसको आप सही कर सकते हो, मतलब फाइल डिलीट करके डेस्कटॉप साफ कर सकते हो। और दूसरा मेथड ये है कि आपको विंडो आर टिपना होगा और इसमें लिखना होगा TEMP और इंटर कर देना है। ये देख सकिए सारे जंग फाइल होते हैं हमारे टेम्प में, तो इसको कंट्रोल ए करके और राइट क्लिक करके आप इसको डिलीट कर दीजिए। डरिए मत, ये जो होता है जंग फाइल ही होता है, तो इसको डिलीट करने से आपका लैपटॉप कोई डिलीट नहीं होगा, कोई भी इंपोर्टेंट डाटा डिलीट नहीं होगा। तो आप इसको डिलीट कर सकते हो और फिर आपको इसको काट देना, फिर दोबारा से विंडो आर करना और इसमें दोबारा से लिखना %TEMP और % दोबारा और फिर इंटर कर देना है। ये देखिए इसमें भी काफ़ी जंग फाइल है, ये मतलब जब लैपटॉप ऑन करते हो ना तब ये फाइल आ जाते हैं, काफ़ी होते चलाते लैपटॉप तो जंग फाइल सब जितने होते सब इसमें इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसको आपको कंट्रोल ए करना हो और डिलीट कर देना होगा। ये देखिए इसको डिलीट कर दिया और इसको काट देना दोबारा से, ये जब हो जाएंगे तो इसको काट देना। ये देखिए बस हो रहे, ये देखिए इतना हो गया, कुछ रह जाते हैं उसके बाद में डिलीट कर देंगे। इसको काट देने दोबारा और फिर विंडो आर करना और इसमें लिखना RECENT रिसेंट और इंटर कर देना। रिसेंट में वो फाइल आएंगे जो आपने जस्ट अभी लैपटॉप में कुछ देर पहले चलाया था, वो फाइल इसमें आते हैं। तो इसको भी कंट्रोल ए करना और राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर देना। ये भी हमारा जंक फाइल ही होता है जिससे लैपटॉप स्लो चलता है, इसको काट देना और फिर इसको करना है विंडो आर और PREFET और इंटर कर देना। इसमें इसको कंटिन्यू कर देना, जैसे कंटिन्यू करिए देखिए इसमें काफ़ी सारा जंक फाइल होता है, सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। सबको कंट्रोल ए से सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे, इसको स्किप कर दीजिए। ये देखिए डिलीट हो गए। तो आप इस तरह लैपटॉप को स्लो चलने से बचा सकते हैं। और जो आपने डिलीट किया वो रिसाइकल बिन में आता है, तो इसको रिसाइकल बिन को भी आपको दोबारा डिलीट करना होगा। तो यहाँ से अभी डिलीट कर सकते हो, फिर इसको ये रिसाइकल बिन को डिलीट करने के बाद ये दूसरा ऑप्शन था। और तीसरा ऑप्शन ये है कि आप विंडो और डी करेंगे तो देखिए साफ होते हैं इससे। ये देखिए विंडो और डी, देखिए डेस्कटॉप पर कुछ चेंजेस आएंगे, ये देखिए इससे भी साफ होते हैं, विंडो और डी दबाने से भी आपका साफ होते हैं। तो इस तरह आप लैपटॉप साफ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आपको कैसा लगा वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।